मूलतः मैंने एक बात का बार बार संकेत किया है कि हम किसकी संतान हैं, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है। तो हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं जैसा हो, हमारा ज्ञान कैसा हो, हमारे ऋषि ऋषिकाओं जैसा हो। ऋषि ऋषिकाओं की वारिस कौन है, अंग्रेजी में इसको सक्सेसर बोला जाता है, हिंदी में इसको उत्तराधिकारी बोला जाता है। ऋषि ऋषिकाओं के उत्तराधिकारी कौन है, उनके सक्सेसर कौन है, उनकी परंपराओं को आगे कौन बढ़ाएंगे। मैं मानता हूं कि इसमें भीड़ नहीं होगी, लेकिन बीज नाश भी नहीं होगा। हम ऋषि ऋषिकाओं के प्रतिनिधि हैं और हमारा जीवन ऋषि ऋषिकाओं जैसा ही होगा। किसी किसी ने अपने जीवन को ऋषि ऋषिकाओं की तरह बना लिया है तो कुछ बनाएंगे। हमारा ज्ञान, हमारा जीवन, हमारा आचरण और हमारे जीवन की उपलब्धियां ऋषि ऋषिकाओं जैसी होनी चाहिए। और इस उत्तरदायित्व को कोई दूसरा ले या ना ले, इस उत्तरदायित्व को मुझे लेना है, ये संकल्प अपने हृदय में हमें संजो करके रखना कि मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी अपने ऋषि ऋषिकाओं के प्रति वफादारी है, ये मेरा उत्तरदायित्व है। हम छोटे छोटे उत्तरदायित्वों के लिए तो जीते रहते हैं। ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं बच्चों को पाल पोष के बड़ा करूं, ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं किसान हूं तो अपने खेत में मैं फसल उपजाऊं, ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं देश की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लगा हूं तो देश की आजादी को मैं अक्षुण्ण रखूं, देश की एकता अखंडता और संप्रभुता पर कोई आंच ना आने दूं। मैं कर्मचारी हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं जो हूं अपना उत्तरदायित्व निभाऊं, ये हमारे सामान्य उत्तरदायित्व हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्तरदायित्व, सबसे बड़ा इस भारत माता के प्रति उत्तरदायित्व, सबसे बड़ा अपने पूर्वजों के प्रति उत्तरदायित्व है। तो हमारा जीवन अपने पूर्वजों जैसा होना चाहिए, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व, जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। और ये अपने पूर्वजों और भगवान के प्रति, भारत माता के प्रति अपनी सबसे बड़ी वफादारी है। छोटे छोटे उत्तरदायित्वों के लिए, छोटे छोटे जिम्मेदारियों के लिए व्यक्ति बहुत सोचता है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी से आदमी मुंह मोड़ लेता है, ये ठीक नहीं। तो हमने तय किया, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, लगभग लगभग हर दिन कहता हूँ, और भोर में उठते ही मैं कहता हूँ ना, मैं सबसे पहले उठ करके, आज भी उठ के आया तो सबसे पहले उठते ही मैं ऐसी धरती माता को प्रणाम करता हूँ। ये मेरे रोज की दिनचर्या है और ये मैंने अपनी माँ से सीखा था। जब मैं माँ को देखता कि माँ उठते ही ऐसे धरती माता को प्रणाम करती, मैंने माँ से बोला, माँ ये धरती माता को क्यों प्रणाम करती है? वो गांव में हरियाणा में ना उसको ऐसे बोलते हैं, धरती माता को ऐसे चुचकारते, ऐसे ऐसे करते। मैंने कहा माँ ये क्या करती? बोली धरती माँ है बेटा। मैंने कहा माँ तो आप हो, ये धरती माँ माँ कैसे हो गई? बोले बेटा ये आदि माता धरती माता ही है। तो हम बच्चे थे, मैंने कहा माँ पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए ऐसी ऐसी बातें करती है। फिर हम पढ़े लिखे, वेद पढ़ लिए, तो वेद में पढ़ा, ये तो पीछे लिख रखा ना यहाँ ऊपर भी सबसे, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती हमारी माँ है। तो मातृभूमि के प्रति इतनी कृतज्ञता, मैं छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को नहीं जीऊँगा, मैं कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे भारत माता का गौरव पूरी दुनिया में बढ़े। ये होता है कर्तव्य भारत माता की संतान। और कुछ डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट बन रहे हैं, बने अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अपने ऋषि ऋषिकाओं की तरह, गौतम कणाद जमनी पाणिनी पतंजलि की तरह, मदालसा की तरह, कार्गी की तरह, और कितनी हमारी ऋषिकाएं हुई वेदों की, कितनी विदुषियाँ हुई हमारे यहाँ पर सरस्वती की तरह। हम ज्ञान की देवी सरस्वती को मानते हैं, लेकिन खुद भी तो वैसे बने। हम संस्कृत को दुनिया की आदि भाषा और ईश्वरीय वाणी मानते हैं, ईश्वरीय भाषा मानते हैं, लेकिन उसको पढ़ें। संस्कृत के विद्वान और विदुषी बनाना
ये भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम ऋषियों की परंपरा को, अपनी संस्कृत और अपनी संस्कृति को मिटने नहीं देंगे, ये भी हमारा संकल्प है। और इसके लिए हमने पतंजलि गुरुकुलम, एक तो आचार्य कुलम हो गया जिसमें संस्कृत भी है, इंग्लिश भी है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और सीबीएसई का कोर्स है, ये संस्कृत गुरुकुलम, इसमें हम व्याकरण, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, दर्शन, उपनिषद, वेद, भगवत गीता, और इसके द्वारा उनके जीवन में पूरी दिव्यता लाना, उनको संस्कृत का विद्वान और विदुषियाँ तैयार करना, और उनके जीवन का, उनके भविष्य का, आगे उनको की जीवन के गौरव का भी प्रबंध करना, ये भी साथ साथ में हमारा उत्तरदायित्व है। क्योंकि आगे अभी हम एक बहुत बड़ा बोर्ड बना रहे हैं, मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर अभी से देश में पुनः भारतीय शिक्षा पद्धति को हमें प्रतिष्ठापित करना है, ये है बड़ा लक्ष्य। और ये कार्य ऐसे नहीं हो जाएगा, इसके लिए हमें संस्कृत के विद्वान और विदुषियां चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं, माने स्कूल कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी तक इस संस्कृत को गौरव देना, और संस्कृत के अध्यापकों को इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर से कम नहीं, कम से कम उनके बराबर वेतन देना, और उन जैसा ही या उनसे भी अधिक गौरव देना, यह हमारा उत्तरदायित्व। तो इसके लिए ये काम एक दिन में तो तैयार नहीं हो जाएगा, इसके लिए मुझे सैकड़ों नहीं हजारों विद्वान और विदुषियां चाहिए, और ऐसे बच्चों को आपको हमें ला करके देना है, और इसकी शुरुआत स्वयं से करनी। पड़ोसी का बेटा चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बने, ये कहने वाले तो मैंने बहुत देखे हैं। मेरा बेटा चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बने, मेरी बेटी लक्ष्मी बाई, चेनम्मा बाई, मेरी बेटी जो है वो गार्गी बने, मदालसा बने, मेरा बेटा स्वामी रामदेव जैसा बने, आचार्य भाष्य जैसा बना, मेरा बेटा स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद जैसा बने, मेरा बेटा गौतम कड़ाल झमरे पाणिनि पतंजलि जैसा बने, ये सोच होनी चाहिए हमारी। ऐसे अपने बेटा बेटियों को विदुषी और विद्वान बनाने के लिए ये पतंजलि गुरुकुलम, उसका अभी हम प्रवेश का के लिए एक पूरा शिविर रखते हैं, उनके प्रतिभा के मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी संस्कार शिविर रखते हैं, और फिर उनको हम आगे ढालते हैं सिस्टम में। और हमने आपसे कहा था कि आपके भी बच्चों को, अब आपकी ये प्रक्रिया शुरू कर दी हमने, और अगले साल से और बड़ा स्वरूप देंगे इसको। तो उसके लिए अभी 6 जनवरी से 12 जनवरी एक शिविर रखा गया है, और दूसरा 20 फरवरी से 26 फरवरी दूसरा शिविर रखा गया है। इसमें जिनकी उम्र इस साल अप्रैल तक, जो अगले साल अभी आने वाला है 2018 अप्रैल तक, जिनकी 9 से 11 वर्ष की उम्र है, और देखो जिनका दिमाग ही नहीं हो फिर पढ़ेंगे क्या, दिमाग तो है लेकिन जिन्होंने अपने दिमाग को परिष्कृत नहीं किया है, तो जो अपने स्कूल में ए प्लस या ए ग्रेड, बी प्लस या बी ग्रेड कम से कम जिन बच्चों का है, ए और बी ग्रेड वाले तो हम ले लेंगे, उनको तो फिर हम उन्नत बना देंगे, अब जो बहुत ही ज़्यादा फिसड्डी हैं उनका तो क्या कर पाएंगे। तो जो जिनका ए प्लस या ए, बी प्लस या बी ग्रेड रहा है, ऐसे बेटा और बेटियों को, दोनों को ही, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, लड़का लड़कियों के लिए अलग दोनों परिसर बना रहे हैं, और बहुत बड़ा ये अनुष्ठान है विद्या का, और इसमें जो है उनका जो रिजल्ट कार्ड है, आधार कार्ड उनका और उनके माता पिता का, बस इतनी अनिवार्यताएं हैं, ये बच्चे लेकर के आएंगे, और इनके लिए ये बहुत बड़ा अनुष्ठान होगा, और इसमें आप योग प्रचारकों को और अपने कार्यकर्ताओं को, और जो मुझसे निष्ठा रखते हैं, जो जिनका मुझ पर विश्वास है ना, देखो अब एक बात तो हमने ज़माने में करके दिखा दी है कि आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम करना है तो संस्कृत पढ़ा हुआ
धरती पर कोई भी श्रेष्ठतम कार्य कर सकता है, यह हमने करके दिखा दिया गुरुकुल में पढ़ने वालों। हम गुरुकुलीय माध्यम से पढ़े हैं, गुरु शिष्य परंपरा से पढ़े हैं, संस्कृत माध्यम से पढ़े हैं, और अपने से ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे अपने आने वाले इन बच्चों को, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हम तैयार करके जा रहे हैं, और इन्हीं में से ही हम ऐसे बच्चे तैयार करेंगे। अभी तो हमने वो भी एक दूसरा भी रास्ता खोला हुआ है, वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम, जिनको आजीवन ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी रह करके पूरा जीवन देश धर्म और संस्कृति के लिए जीना है, वो भी हमने एक रास्ता और खोला हुआ है। ऐसी भी तो आत्माएँ हैं, स्वभाव से हैं, या हम नहीं कर रहे कुछ। अब कई बार हमसे बच्चे पूछ लेते हैं, मैं पिछले दिनों सुपर डांसर प्रोग्राम में गया तो बच्चे, बाबा जी आप बाबा क्यों बने? अरे भाई हम बाबा बने नहीं, हम इस धरती पर बाबा ही पैदा हुए हैं। हम पैदा हुए हैं योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सेवा के लिए, भगवान के लिए, इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो ऐसे ही कुछ स्वभाव से ही ऐसी आत्माएं होती हैं जो अनेक जन्मों से तप कर रही हैं, ऐसी पुण्यात्माएँ। यदि आपके घर में भी कोई ऐसी संतान पैदा हो जाए जो सन्यासी होकर के पूरा जीवन भगवान के लिए, ऋषियों के लिए, देश धर्म संस्कृति सेवा के लिए जीना चाहे, तो समझना अपने कुलवंश खानदान का इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता कि अपने कुल खानदान में कोई ऐसी संतान पैदा हो जो श्रेष्ठ सन्यासी बनना चाहे। क्योंकि कोई श्रेष्ठ संतान होती है तो माता पिता का यश अवश्य बढ़ाती है, देश धर्म और संस्कृति के लिए भी गुणकारी होती है। लेकिन कोई संतान यदि सन्यासी बन जाए तो अपने कुल खानदान का ही नहीं, वो पूरी भारत माता का नहीं, इस पूरी समष्टि का कल्याण करने के लिए होती है, ऐसी वो महान आत्माएं कोई। तो उनके लिए भी हमने रास्ता खोला हुआ है। तो ये पतंजलि गुरुकुलम, इसमें एक तो बेटियों के लिए और बेटों के लिए, माने गर्ल्स और बॉयज़, लड़का और लड़की दोनों के लिए ये अलग अलग व्यवस्था है। इस समय ये गुरुकुल हमारा देवप्रयाग, ये जो मुल्या है केदारनाथ के रास्ते में, वहाँ पर अब ये गुरुकुल चल रहा है, वहाँ भी चलेगा निरंतर, और फिर दो गुरुकुल यहाँ पर भी बन रहे हैं। बहुत बड़ी श्रृंखला है। मैं यहाँ पर परिचय आपका करवाना चाहता हूँ हमारी विदेशी बेटियों से, और यहाँ आमंत्रित भी करना चाहता हूँ आचार्य सविता जी और आचार्य श्रुति जी। एक बार इन दोनों का आइए आइए, बहुत बहुत अभिनंदन है। ये दोनों ही वो विदुषी बेटियाँ हैं जिन्होंने व्याकरण से लेकर के महाभाष्य से लेकर के दर्शन, उपनिषद, वेद आदि शास्त्रों का प्रामाणिकता पूर्वक अध्ययन किया है, और अभी यहाँ कन्या गुरुकुल की आचार्य के रूप में आचार्य सविता जी उत्तरदायित्व को निभा रही हैं। और अभी यहाँ एक ये बेटियों के भी दो गुरुकुल चलेंगे, एक हिमालय में, तो जिनको बहुत ही ज़्यादा उन्नत बनना है उनको हिमालय में भेजेंगे। वहाँ गंगा जी के किनारे बहुत माने दो नदियों का संगम है वहाँ, तो अलकनंदा और गंगा दोनों का संगम है देवप्रयाग में, और उसके ऊपर ये गुरुकुल है। और इतना सुंदर चारों तरफ हिमालय और कोई पोल्यूशन, जीरो पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं, और वहाँ जा कर के रह कर के अपने आप ही ऋषिकाओं जैसे बन जाते हैं। जैसे एक वेद का मंत्र है, उपभरी गिरीणाम संगमीच नदीनाम धिया विप्रो अजायत। तो बेटी इधर आएंगी श्रुति जी, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। ये देखने में दुबली पतली लगती है लेकिन बहुत विदुषी है, और बहुत दिव्यता के साथ। इसका स्ट्रक्चर देखने में पतला सा है लेकिन इसका करेक्टर बहुत महान है। बहुत बहुत आशीर्वाद है, और इसने अपने आप को तैयार किया है। हमारी बहन सविता जी ने इनको इतनी दिव्यता के साथ इतनी ऊंची शिक्षा दीक्षा और संस्कार दिए कि आज ये, और यहाँ पर भी शताधिक बेटियाँ बहुत दिव्यता के साथ तैयार हो रही हैं। बहन आचार्य सविता जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और जैसे भाई बहन यहाँ तैयार हुए हैं, ऐसे बहनें भी तैयार हुए। पूज्य गुरुदेव जी ने एक परंपरा तैयार की बहनों की भी, अब पूरा उत्तरदायित्व ये बहनें स्वयं निभाती हैं आत्मनिर्भरता के साथ। और मध्यकाल में ऐसा हुआ था कि बेटियाँ वेद नहीं पढ़ती थी, संस्कृत नहीं पढ़ती थी, लेकिन बहुत बड़ा उपकार महर्षि दयानंद का कि उन्होंने कहा कि जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही अधिकार माँ बहन बेटियों का भी है वेद पढ़ने का, संस्कृत पढ़ने का। और ये एक बहुत बड़ी परंपरा, मैं कहूँगा कि
यद्यपि महर्षि दयानंद के अनुयायियों में आर्य समाज में परंपरा थी, लेकिन ये परंपरा बहुत साधारण स्तर पर आ गई थी। बीज तो बो दिया था, इसको बहुत बड़ा स्वरूप यहाँ पर दिया जा रहा है। ऐसे ही हमारे पूज्य श्रद्धेय प्रातस्मरणीय गुरुदेव प्रद्युम्न जी महाराज जी, जिनसे हमने शिक्षा दीक्षा ली, उन्होंने यहाँ पर ऐसे सैकड़ों विद्वान आचार्यों को तैयार कर दिया, जिनके अभी शिक्षा दीक्षा पूरी हो चुकी है। उनमें से बहुत भाइयों को अब आचार्यों के रूप में हम तैयार कर चुके हैं। तो उनमें से भाई ईशु जी, भाई स्मिथ जी, भाई फूलचंद जी, ऐसे आचार्य फूलचंद जी, आचार्य स्मिथ जी, आचार्य शुभम जी, आचार्य ईशु जी, आचार्य जो है ऐसे हरिओम जी, बहुत से एक आचार्यों की एक श्रृंखला तैयार हो गई हमारी। उनको भी अब अलग अलग गुरुकुलों के आचार्यों के रूप में उत्तरदायित्व दे करके आगे हमारा संकल्प है कि अब एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों गुरुकुल हरिद्वार से लेकर के पूरे देश में आगे खोले जाएंगे, पूरे देश में। अब ये प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ी होनी है। और इसमें क्योंकि आज मैंने भाइयों को आमंत्रित नहीं किया था यहाँ पर, लेकिन ऐसे भाइयों और बहनों का दोनों को यहाँ पर हम आमंत्रित कर रहे हैं। ये पाँचवीं कक्षा से गुरुकुल प्रारंभ होगा, पाँचवीं कक्षा से प्रारंभ हो करके, क्योंकि पाँचवीं कक्षा से पहले जो है ना, बच्चे अपना काम खुद नहीं कर पाते, हम उनको आत्मनिर्भर भी बनाना चाहते हैं। और अभी तक तो हम जो है उनको अभी तैयारी कर रहे थे, जब ये एक दो साल के बाद और तैयार हो जाएंगे तो इनसे खेती बाड़ी भी करवाएंगे, हाँ इनसे खेती भी करवाएंगे, इनको उद्योग चलाना भी सिखाएंगे, माने कृषि से लेकर के, उद्योग से लेकर के और अनुसंधान से लेकर के सारे काम हमारे गुरुकुल के बच्चों को आने चाहिए। संगीत से लेकर के, साहित्य से लेकर के, खेल से लेकर के, सारे कार्य आने चाहिए। तो इनको खाली विद्या ही नहीं, खाली ज्ञान ही नहीं, इनके भीतर अलग अलग प्रकार का जितना अधिकतम हो सकता है वो सब कौशल, अलग अलग प्रकार का स्किल भी इनके अंदर पैदा करेंगे। तो ये कार्यक्रम पतंजलि गुरुकुलम और पतंजलि कन्या गुरुकुलम, मैंने पतंजलि गुरुकुलम की दो शाखाएं हैं, एक गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, जैसे आचार्य कुलम में हमने ये व्यवस्था रखी थी, इसी तरह से पतंजलि गुरुकुलम में ये बेटा और बेटियों के लिए व्यवस्था रहेगी। और आचार्य कुलम के लिए भी अभी ये जो है प्रवेश के लिए जो शिविर रखे जाते हैं, विद्यार्थी संस्कार शिविर, वो रहेंगे। और इसका भी आपको इतना प्रचार करना है कि अभी एक दो सालों में आप पहले दो गुरुकुलों को, आवासीय गुरुकुल रहेंगे, और इसमें हमने बहुत कम जो आवास आदि व्यवस्थाओं के लिए, जिसको कहते हैं हम कि ये पूरी जो रेसिडेंशियल और दूसरी फूड आदि के लिए, एकोमोडेशन के लिए, एकोमोडेशन कंट्रीब्यूशन हम उसको बोले, ये जो एकोमोडेशन जो है कंट्रीब्यूशन, कोई फीस नहीं लेते हम यहाँ, ये हमने एक बच्चे के लिए रखा है 2000 रुपये मासिक, मात्र 2000 रुपये। और 2000 रुपये में तो आपको पता है भोजन भी पूरा नहीं हो पाता है, दाल रोटी सब्जी और इतनी महंगाई हो गई है, और फिर इतनी बड़ी आवासीय व्यवस्था, उसमें 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, हम लोग 100% जो है जनरेटर का बैकअप रखते हैं, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, उनके लिए एक पौष्टिक आहार की व्यवस्था, सुबह प्रातः राश, फिर दोपहर का, शाम का भोजन, उनको दूध की व्यवस्था, कुछ फलों की व्यवस्था, उनको बीच बीच में बच्चे हैं तो उनको मिष्ठान आदि, जैसे एक घर में वातावरण मिलता है उस तरह से, क्योंकि हमें मानते हैं कि श्रेष्ठ वातावरण, श्रेष्ठ प्रशिक्षण, श्रेष्ठ प्रशिक्षक, श्रेष्ठ प्रारब्ध और श्रेष्ठ पुरुषार्थ, ये 5 तत्व यदि व्यक्ति को मिल जाए तो उसके जीवन में पूरी तरह से दिव्यता घटित हो सकती है, उसको मानव से महामानव उसको बनाया जा सकता है, ये हमारा अनुभव। तो ये मैंने आपको गुरुकुल के संदर्भ में बताया, और इस संदर्भ में खाली अपने योग शिक्षक भाई बहनों से, अपने योगी भाई बहनों से, योग प्रचारकों से, अपने कार्यकर्ताओं से ही नहीं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मुझ पर जो भरोसा करते हैं, उन सबसे मैं आह्वान करता हूँ कि आप अपने संतानें मुझे दीजिए,
आपकी संतानों को संसार में योग्यतम बनाना ये मेरा उत्तरदायित्व, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के साथ मैं इन संतानों को ले रहा हूँ। ये खाली कोई प्रोफेशन नहीं है, ये कोई धंधा नहीं है। आजकल लोगों ने शिक्षा को भी एक व्यापार बना दिया है, तो ये उत्तरदायित्व है। तो आप में से कितने ऐसे हमारे योगा प्रचारक हैं जिनके, कितने ऐसे योगी भाई बहन हैं जिनके बच्चे पांचवी कक्षा में अब इस साल आ जाएंगे? अच्छा, हाँ चलो नीचे कर लो फिर। अभी जिनके छोटे छोटे हैं अच्छे से तैयार कर लेना, उनको बाद में लेंगे। और जिनके बड़े हो गए तो उनको फिर दसवीं पास करके देना, दसवीं और बारहवीं में फिर उनको वैदिक गुरुकुलम में और वैदिक कन्या गुरुकुलम में दे देना, लेकिन उनको अच्छे से तैयार करके देना। हमारे यहाँ कोई भी रिटायर नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद बारहवीं यदि किसी ने कर लिया तो फिर विश्वविद्यालय में दे देना। तो हम तीन बार हमने प्रवेश का रास्ता खोल के रखा है, पांचवी, दसवीं, बारहवीं, और फिर उसके बाद बारहवीं के बाद विश्वविद्यालय, आयुर्वेद कॉलेज। तीन बार हम मौका दे रहे हैं।